नो no, नो no. <laughs> मैं हिंदी oh, सिर्फ हिंदी में बोलूंगा सिर्फ हिंदी में अच्छा लास्ट टाइम यू स्पोक आप हिंदी में पूछे तो अच्छा सॉरी अच्छा अभी आप लोगों को थोड़ा तकलीफ होगा तकलीफ शुरू होगा अभी इंशाल्लाह क्योंकि मैं तमिलनाडु से आ रहा हूँ एंगे दो How many of you follow Tamil? Okay. I come from a place called Tiruchandur, a very, very far away place. And from there, another 11 kilometers, there is a small village called Kayamuli. Even if you search in the map, I think it becomes too difficult. Okay, it's very difficult for you. Small village. And at some point of time, I am given to know that my ancestors were Shaiva Pillai Mars. My ancestors were Shiva Bhaktas. At some point of time, we have the Morgan Koil and the people during the time of Muhammad Yusuf Khan, Marudanayagam, the Thunelweli and the Tutukurin district. Those people embraced Islam. We have the history. So our ancestors go back to once again the Tamil-speaking Shaiva Pillaymars. My ancestors, and then finally we became Muslims. Alhamdulillah. So what I'm trying to ask you is that. I'm oh, sorry. I'm sorry. तो अभी आप लोगों को तकलीफ शुरू होगा मैं थोड़ा मद्रासी उर्दू में बात करूंगा इनशाला मद्रासी उर्दू मैं आपसे ये सवाल करूंगा आप इस्लाम को क्यों पसंद किए इस्लाम में ऐसे क्या बात है कि आप उसको पसंद किए सबसे पहले मैं अपना नाम मेरा नाम इस्लाम है आज से सोलह या पंद्रह साल पहले मेरा नाम दिनेश मोहन सिंह था अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट मेरा आबाई वतन जो है यूपी है चंदौली ज़िला है अल्हम्दुलिल्लाह और मैं यहीं पर पैदा हुआ हूं मुंबई में चीता कैम नाम के इलाके में अच्छा असल में इस्लाम जो है ये स्वाभाविक धर्म है और ये इंसान के ना स्वभाव में समाया हुआ धर्म है अगर कोई व्यक्ति जो है कोई इंसान इस्लाम के केवल माना अगर समझ ले उसका अर्थ समझ ले तो उसे इस्लाम से कोई दुविधा नहीं रहेगी इस्लाम से वो कभी भागेगा नहीं इस्लाम कबूल क्यों किया मैंने इस पर बहुत सारी बातें हैं इंशाल्लाह इतमान से बोलूंगा लेकिन इस्लाम का अर्थ क्या है ये जानना जरूरी है इस्लाम का अर्थ है कि अपने तमाम जो भी विचारधारा भावना है अपनी जितनी भी इच्छाएं हैं वो अपने सच्चे पालनहार के आदेश अनुसार मानव जाति जो है मनुष्य जो है व्यतीत करे मनमानी जिए नहीं मनमानी जीने से क्या होता है ऊंच नीच भेदभाव और इस सृष्टि का जो है जो है नियम जो है वो पदभ्रष्ट हो जाता है खराब हो जाता है आपस में इंसान इंसान से लड़ता है इंसान इंसान को नीचा दिखाने का प्रयास करता है इंसान अपना कानून दूसरे पे थोपने की कोशिश करता है लेकिन ऊपर वाले के कानून से सारे मनुष्य एक समान रह सकते हैं और इस्लाम यही शिक्षा देता है इस्लाम का अर्थ है कि अपने अपनी अपनी इच्छाओं को पालनहार के आदेश अनुसार व्यतीत किया जाए हाँ okay. huh. <laughs> आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आपको कोई तकलीफ दिए इस्लाम को कबूल करने के लिए यानी फोर्स किए ऐसी कुछ बात इस्लाम जो है मैंने कबूल करने की जो मेरी शुरुआत है मैं कुरान को इसलिए पढ़ रहा था ताकि मैं उसमें कुछ गलतियां निकालू और यह भावना कहां से पैदा हुई जब कोई मुसलमान मुझे बताता था कि भाई तुम्हारी किताब में यहाँ पर मोहम्मद का नाम है सल्लल्लाहु अलैहि यहाँ पर फला नाम है यहाँ पर वो है यहाँ पर फला है तो मेरी जो भावना थी वो ये थी जुमा में एक दिन नहाने वाले रोज़ नहाने वाले को बता रहे मैं नहीं जानता था इस्लाम को जुमा में एक दिन नहाने क्योंकि मेरे घर में यही बताया गया मुझे बचपन से यही सिखाया गया तो मैं ये सोचता था जुमा में एक दिन नहाने वाले रोज़ नहाने वाले को बता रहे अब इनको बताना पड़ेगा कि इनके धर्म में क्या है ये भावना लेकर मैंने कुरान पढ़ा ये भावना लेकर मैं कुरान को पढ़ना शुरू किया सबसे सब पहले फतेह मोहम्मद जालंधरी साहब का मैंने कुरान उठाकर पढ़ा तर्जुमा पूरा मुकम्मल अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है उसी में मेरा जो है जहन अल्लाह ताला ने खोल दिया अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान को पढ़कर उसको समझकर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्लाम को कबूल किया है किसी के दबाव में नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने दबाव नहीं दिया किसी ने पैसे नहीं दिए पैसे देता अगर कोई तो रेंट के घर पे नहीं रहता <laughs> रहताबारफीक अभी तो आप इस्लाम के बारे में बहुत सारी चीज़ जानकारी हासिल करें मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ आप भी क्या है आप ऑलरेडी जो है लोगों को भी इस्लाम के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं तो मेरा ये सवाल है क्या इस्लाम में जायज़ है, जायज है लोगों को आ, फोर्स करना और इस्लाम करवाना ऐसा कुछ इस्लाम में जायज है क्या? कुरान की आयत है अल्लाह ताला ने कुरान में अध्याय नंबर दो के श्लोक नंबर दो सौ छप्पन में अल्लाह ने कहा ला लाकराफीन धर्म के नाम पर कोई जबरदस्ती नहीं है कद तबय रुश मिनल गई मैंने अंधकार और प्रकाश को वाज़े कर दिया अंधकार क्या है अंधकार यह है कि उस सच्चे पालनहार को छोड़कर किसी अन्य के सामने अपने मत्थे को टेकना जिसने अपनी मां की कोक में हमारी मां की कोक में हम सबका निर्माण किया है उसको छोड़कर उसकी पूजा करना जो खुद मां की कोख से आए हैं उसकी पूजा करना जो जो सूर्य सूर्य की पूजा खुद अस्त हो जाता है जो खुद निकलता है उसकी पूजा करना ये अंधकार है प्रकाश क्या है जिसने इस प्रकाश देने वाले सूर्य की पूजा बनाया है उसकी पूजा की जाए ना कि सूरज की पूजा की जाए ना कि चांद की पूजा की जाए ये कुरान की बहुत सारी आयतें हैं कुरान में भी अध्याय नंबर 41 में भी पालनहार ने कहा है अल्लाह ताला कहता है सच्चे पालनहार कहते हैं कि ला, ला तदू लमसी वला नगमस्तक मत होना न सूर्य के सामने न चंद्र के सामने बल्कि उस शक्ति के सामने उस पालनहार के सामने नगमस्तक होना ला लदि खलकन्न कुम इबून जिसने निर्माण किया है इन सारी चीज़ों का उसके सामने झुको सूर्य के सामने झुको न चंद्र के सामने झुको अच्छा। तो इस्लाम जो है ये सिखाता है एक ऐश्वर्वाद सिखाता है सच्चे पालनहार की भक्ति सिखाता है उसके आदेश के अनुसार जीवन व्यतीत करना सिखाता है इंसान सुबह कैसे करे शाम कैसे करे पहले जानवर था अभी इंसान बन गया ऐसा लगता है मुझे पहले मुझे नहीं मालूम था कैसे जीना है क्या करना है सोकर सो उठू तो क्या करूं सोकर उठना भी भक्ति है इस्लाम में अगर कोई आदमी सोकर उठता है अलहदुल्ला बदा महमताना नशूर पड़ता है तो उसको स्वाफ सोने का अज्र मिल रहा है बाथरूम जा रहा है वहां पर भी भक्ति की प्रेरणा दी गई है बाथरूम की प्रार्थना करनी है निकल रहा है तो प्रार्थना कर रहा है सड़क पे कैसे चलना थूकना अल्लाह अकबर बड़ा एक हर अमल को जो है बताया गया थूके कैसे इंसान सामने ऐसे नहीं थूके क्यों किसी और को तकलीफ भी हो सकती है सामने थूके और उसको दबा दे या फिर उल्टी तरफ थूके राइट तरफ ना थूके थूकने की प्रेरणा देने वाला इस्लाम है वो इस्लाम अल्लाह अकबर वो इस्लाम कभी भी किसी का खून बहाने की शिक्षा नहीं देता you एक एक आदमी का जो लेक्चर जो है पूरे दिन दिन, दिन सुन सकते हैं बट वी आर नॉट डूइंग दैट हियर वी क्विकली फिनिश इट इन